वेलकम टू द फर्स्ट प्लेस ऑफ एक्सप्लोरिंग आमची मुंबई। जो फर्स्ट प्लेस में विजिट करने वाला हूँ वो है श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर, जो कि इस्कॉन चौपाटी के नाम से भी जाना जाता है। कई लोगों के मन में सवाल आ सकता है कि इतने फेमस स्पॉट छोड़ के फर्स्ट प्लेस श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर ही क्यों। सो वेट, इसके पीछे मेरा एक पर्सनल रीजन है। रीजन क्या है वो तो वीडियो एंड होते होते आपको पता लग ही जाएगा। फिर चलते हैं वहाँ जहाँ दिन में भी सपने बुने जाते हैं, सपनों की माया नगरी मुंबई। सुबह 9 बजे तक पहुंच जाता हूँ CSMT स्टेशन। पुणे स्टेशन मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। कृपया गाडीतून उतरताना गाडीचे पायदान व फलाटामधील अंतरावर लक्ष द्या। यहाँ से बस लेकर पहुंच जाता हूँ चौपाटी बैंड स्टैंड। फिर 5-10 मिनट वॉकिंग करके फाइनली पहुंच जाता हूँ अपने पहले डेस्टिनेशन पर। लाइफ अगर इतनी ही इजी होती तो जीने का मजा कैसे आता। CSMT बस स्टैंड पे जाते ही मैंने एक कंडक्टर को पूछा, दादा ये चौपाटी बैंड स्टैंड जाने के लिए कौन सी बस पकड़नी पड़ेगी। उसने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहा, बेटा 115 नंबर की बस पकड़ लो। फिर भी मैंने 115 नंबर के बस वाले कंडक्टर को भी पूछा, दादा ये चौपाटी बैंड स्टैंड जाएगी। वो भी बहुत कॉन्फिडेंस से बोला, हाँ जाएगी। और उसने बिना पूछे टिकट फाड़ लिया। तो क्या, मैं बस में चढ़ जाता हूँ और व्यू के मजे लेते लेते मैं लास्ट स्टॉप पर पहुंच जाता हूँ। लास्ट स्टॉप रहता है नरीमन पॉइंट। नरीमन पॉइंट से इस्कॉन चौपाटी लगभग 6 किलोमीटर है। उसने मुझे टोटली अपोजिट डायरेक्शन में छोड़ दिया था। फिर क्या, अपने नसीब को बिना कोसे सीधा टैक्सी पकड़ के चल देता हूँ इस्कॉन चौपाटी पे। फाइनली श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर पहुंच जाता हूँ और एंटर करते ही मंदिर कुछ ऐसा दिखाई देता है। मेन मंदिर में एंटर करने से पहले क्या पता क्यों मन में एक अलग सी बेचैनी थी। शायद बहुत सवाल थे मन में जो श्री कृष्ण से पूछने। तो एक लंबी सांस लेके चल देता हूँ मंदिर के अंदर। और मंदिर के अंदर एंटर करते ही एक अलग सी पॉजिटिविटी फील होती है, ये किसी शब्दों में बता पाना मुश्किल है। जैसे ही मैं मेन मंदिर में एंटर करता हूँ सामने ही दिखाई देती है श्री राधा कृष्ण जी की सुंदर सी मूर्ति। मंदिर में आने से पहले जितनी भी बेचैनी थी वो सब निकल जाती है, पहले ही दर्शन में मन हल्का हो जाता है। और मैं कितने परफेक्ट टाइम पे यहाँ आया हूँ, जैसे ही मैं एंटर करता हूँ श्री कृष्णा जी की आरती स्टार्ट हो जाती है। राधे 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 गोविंदा। उसके बाद मस्त मन हो रहा था कि वहाँ शांति से बैठा रहूँ। फिर क्या, एक कोना पकड़ के बैठ जाता हूँ उन जवाबों के तलाश में जिस वजह से मैं यहाँ आया था। हिस्ट्री टाइम। श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर, जो कि इस्कॉन चौपाटी के नाम से भी जाना जाता है, ये मंदिर साउथ मुंबई में लोकेटेड एक स्पिरिचुअल प्लेस है, जो कि श्री कृष्ण और राधा जी की पूजा यहाँ की जाती है। द टेम्पल वॉज एस्टेब्लिश इन 1988 फॉलोइंग अ हम्बल बिगिनिंग इन अ स्मॉल रूम एट द लेडी नॉर्थ पोर्ट हिंदू ऑर्फनेज। ये ना कि बस मंदिर है, बट हरे कृष्णा डिवोटीज यहाँ रह सकते हैं और अपनी भक्ति योगा की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस मंदिर का खूबसूरत आर्किटेक्चर ऐसे बनाया गया है कि बेशक आपको फील होगा आप किसी वृंदावन के मंदिर में हैं। द टेम्पल इज ओपन फॉर द विजिटर्स फ्रॉम 5 AM टू 9 PM। हाँ, तो फिर एक कोना पकड़ के शांति से बैठा ही रहता हूँ मेरे सवालों के जवाब की खोज में। हालांकि सवालों के जवाब मुझे मिल नहीं पाते, बट मन में एक अलग सी शांति फील होती है। उसी के साथ साथ नेक्स्ट लेवल एनर्जी आ जाती है।
उसी एनर्जी में चल देता हूँ मंदिर एक्सप्लोर करने, और एक्सप्लोर करते करते यहाँ आ जाता हूँ वृंदावन फॉरेस्ट। जब मैं फॉरेस्ट में एक्सप्लोर कर रहा था, मेरा ध्यान जाता है यहाँ भगवद गीता की ओर। बड़े ही टाइम से मैं सोच रहा था कि भगवद गीता पढूं, बट किसी कारणवश मुझे ये मौका नहीं मिल पाया। शायद यही सही टाइम है जब मैं गीता का सार समझ पाऊँ और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाऊँ। जहाँ अंदर में अपने सवालों के जवाब ढूंढने में लगा था, वहाँ यहाँ आके मुझे ये भगवद गीता दिखना बस यही संकेत है कि मेरे सारे सवालों के जवाब इसी गीता में मिल जाएंगे। फिर बिना वक्त गवाए मैं गीता ले लेता हूँ, और तब मुझे जो सुकून मिलता है वो मैं आपको बता नहीं सकता। जस्ट ऐसे फील हो रहा था कि श्री राधा कृष्ण जी खुद मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। उसी वक्त मैं फिर से मंदिर में जाता हूँ, राधा कृष्ण जी से आशीर्वाद मांगता हूँ। हे भगवान, जैसे मुझे यहाँ आने का चांस मिला वैसे ही मैं वृंदावन जल्दी ही आ सकूँ और वो अद्भुत एनर्जी फील कर पाऊँ। वीडियो के स्टार्ट में मैंने एक ओपन एंडेड क्वेश्चन छोड़ा था कि एक्सप्लोरिंग आमचे मुंबई की सीरीज में फर्स्ट प्लेस मैंने यही क्यों चूज़ की। उसका रीज़न ये है कि लाइफ के भाग दौड़ में मैं अपने पर्पस गोल्स भूल जाता हूँ। यूट्यूब मैंने जस्ट स्टार्ट किया है टू अचीव दैट गोल्स एंड फाइंड माई लाइफ पर्पस। बस यही शुरुआत मेरी अच्छी सी हो, भगवान जी का आशीर्वाद मुझ पर बना रहे और कृष्ण भगवान मुझे सही मार्ग दिखाते रहे, इसलिए मैंने ये प्लेस चूज की। टू कवर दिस प्लेस इन वन सेंटेंस, अगर आप कृष्ण भक्त हो या नहीं हो, और जब भी आप यहाँ आओगे तो नेक्स्ट लेवल पॉजिटिविटी फील करोगे और जाते वक्त मन को शांत करके जाओ। रिमेंबर द प्लेस डजंट मैटर बट द फीलिंग बाय विच यू कम डू। इफ यू रियली फेल द इमोशंस ऑफ दिस प्लेस थ्रू दिस व्लॉग, डू कंसिडर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। सी यू एट द नेक्स्ट प्लेस ऑफ एक्सप्लोरिंग आमची मुंबई।